पाकिस्तान क्रिकेट बल्लेबाजी कोच मोहम्मद यूसुफ के अनुसार इक्का दुक्का बल्लेबाज बाबर आजम अब अपनी टीम के खिलाड़ी और कप्तान दोनों के रूप में शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं। आजम 2022 में आग लगा चुके हैं। वो एक दिवसीय और T20 रूपों में दुनिया के अग्रणी हिटर हैं और वो टेस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। आजम ने इस साल सभी प्रारूपों में 15 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 19 पारियों में 78.11 की औसत से 1,406 रन बनाए हैं। व्यक्तिगत रूप से उनका सबसे बड़ा स्कोर 196 है। इस साल उनके विलो ने 5 शतक और 11 अर्धशतक बनाए हैं। पिछले 2 से 3 वर्षों से बाबर आजम ने दिखाया है कि वो एक प्रमुख खिलाड़ी है जो दबाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है। जब कोई खिलाड़ी दबाव में अच्छा करता है तो वो बड़ा हो जाता है। वो एक महान खिलाड़ी बनने की राह पर होता है। जिस तरह से वो बल्लेबाजी करता है, सभी रूपों में, विशेष रूप से कप्तानी की जिम्मेदारी के साथ प्रभावशाली है। यहाँ तक टीम भी उन्हें अच्छी प्रतिक्रिया देती है। वो एक खिलाड़ी और कप्तान दोनों के रूप में शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं, यूसुफ ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा। बल्लेबाजी कोच ने कहा कि उनकी टीम पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले तनावपूर्ण मुकाबले के बजाय एशिया कप जीतने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। 28 अगस्त को भारत अपने अभियान की शुरुआत करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मैच खेलेगा। यूसुफ ने दावा किया कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों का अभ्यास सत्र बेहतरीन रहा और उन्होंने गर्मी के बावजूद कड़ी मेहनत की। यह गर्म और उमस भरा है। हालांकि वे विशेषज्ञ हैं। उन्होंने बहुत अभ्यास किया। वे निस्संदेह गर्मी और कमजोरी का अनुभव करेंगे क्योंकि वे इंसान हैं। लेकिन वे मजाक कर रहे हैं, उन्होंने कहा। एशियाई क्रिकेट परिषद का प्रमुख टूर्नामेंट पुरुष एशिया कप 4 साल के अंतराल के बाद 2022 में वापसी करेगा। T20 प्रारूप के साथ 2 स्थानों पर खेला जा रहा है। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम 27 अगस्त से शुरू होकर 11 सितंबर तक चलने वाले 4 खेलों का आयोजन करेगा, जबकि दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम चैंपियनशिप सहित 9 खेलों की मेजबानी करेगा। भारत, जो वर्तमान विजेता है, ने 7 बार ट्रॉफी जीती है, जिससे वे कुल मिलाकर सबसे सफल टीम बन गई है। इस साल का टूर्नामेंट T20 प्रारूप का उपयोग करेगा, जबकि पिछले एक के लिए इस्तेमाल किए गए एक दिवसीय प्रारूप के विपरीत।